तो इस बार पिट्ठू गरम ये कॉमिक्स है बाकेलाल की। बाकेलाल की अभी तक मैंने डाली नहीं थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि बाकेलाल की कॉमिक्स डालूँ मैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इसलिए एक कॉमेडी में डालना चाहता था। और धीरे धीरे 30 से 40 साल हो गए, फिर आया बाकेलाल, मुसीबत का खेल बेहद पसंद किया। फिर आया बाकेलाल में, जहाँ बाकेलाल ने एक ज़ोरदार वापसी की, वहीं मुसीबत का खेल के साथ ही उसकी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू हो गया। इस सीरीज में हर कॉमिक अपने आप में एक पूर्ण कहानी है, लेकिन हर कॉमिक एक लंबी सीरीज में भी बुनी हुई है। पिट्ठू गर्म आपके हाथों में है, जो उतनी ही धमाकेदार और मज़ेदार है जितनी कि बाकेलाल के किसी भी कॉमिक को होना चाहिए। पिट्ठू गर्म, बचपन में यह खेल आपने ज़रूर खेला होगा, नहीं खेला हो तो इस कॉमिक को पढ़कर खेल के नियम समझ लीजिए और फिर बनाइए बस दोस्तों की एक टोली और निकल जाइए सड़क पर या खुले मैदान में अपनी पीठ सिकवाने के लिए। बचपन में पिट्ठू से खेले जाने वाला खेल कितना भी घातक हो सकता है, बाकेलाल की प्रस्तुत कॉमिक पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। जब से धूर्त बुद्धि बाकेलाल ने विशालगढ़ में प्रवेश किया, तभी से उसका बस एक ही सपना था कि किसी तरह से उसे विशालगढ़ का राज्य मिल जाए और वह राजा बन जाए। हालांकि अब तक उसने हजारों योजनाएं बना डाली और हायरी फूटी किस्मत, सब के सब पिट्ठू गर्म खेलने वाले की पीठ की तरह पिट गए। लेकिन क्या इस बार भी ऐसा होगा? देवयोग से बाकेलाल को मिले हैं गिरगिट और गिरगिटी, जो न केवल इंसानों की तरह बात कर सकते हैं बल्कि इंसान की इच्छाएं भी पूरी कर सकते हैं। क्या ये कोई देवता है? इनका वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या ये पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं और क्यों? ये बाकेलाल की सहायता कर रहे हैं? रहस्य बहुत गहरे हैं जो तब तक नहीं खुलेंगे जब तक कि हम नहीं चाहेंगे। ही बाके वाही जी की ही कारी लिखनी और प्रेम जी के गर्मा गर्म चित्रों ने बाके को इस कहानी में जो जान फूकी है वह आप पौंद तक बांध कर रखेगी ही, बल्कि एक गहरा सस्पेंस आपके मस्तिष्क में तब तक उछल कूद के साथ पिट्ठू गर्म खेलता रहेगा जब तक आप उछल कूद कर ऊंच नीच का पापड़ा नहीं खेलते, क्योंकि खेल खेल में सीरीज का यह चलता यह सस्पेंस जारी रहेगा। इसी सीरीज में जल्द प्रकाशित होने वाले बाकेलाल की अगली कॉमिक्स ऊंच नीच का पापड़ा में भी कुछ इसी तरह कभी न भूलने वाले किरदार आपको पिट्ठू गर्म में भी मिलेंगे, जो न केवल आपको हंसाएंगे बल्कि सदा के लिए यादों की छाप छोड़ जाएंगे। तो मित्र, मिलते हैं अगली कॉमिक्स में बाकेलाल के कुछ नए कारनामों के साथ। तब तक आप बाकेलाल के साथ पिट्ठू गर्म का मजा लीजिए। तो ये अब बाकेलाल के कॉमिक्स का बड़ा ही स्टोरी बदल गया है और इसकी सीक्वेंस भी बदल गई है। कहते हैं दोनों झूठो और मक्कार, गिरगिट और गिरगिटी। कहते थे खेल खेल में योग चल रहा है, और इस योग में अगर कोई सात रंगों को भी छू जाए तो भी उस पर मेरे रंगने वाली योग लग जाती है। इस दोहरे सहयोग के कारण अगर मैं उनके साथ स्टापू खेलूंगा तो मेरी कोई प्रबल इच्छा पूर्ण होगी। गुर्र, आज तो बाकेलाल का क्रोध का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं तो पहले ही कह रहा था स्वामी कि इसमें मत फंसो इनके चक्कर में, पर बोधी वाला सुने तब ना। हिन हिन, गिरगिट ने कहा था कि उन्हें मुझे बुलाने के लिए मंत्र बोलना होगा। क्या था मंत्र? हाँ, याद आया। यह सब जानने के लिए अवश्य पढ़े इससे पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स खेल खेल में सीरीज का मजेदार कॉमिक्स। फिर आया बाकेलाल। वैसे कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है पढ़ने की, पार्ट की नहीं है इस सीरीज़ की कोई भी कहानी, परंतु गिरगिट गिरगिटी की कहानी जाननी है तो फिर तोड़ा कुछ नहीं हो सकता हैगा, कहानी पढ़नी ही पड़ेगी। तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है, कहानी पढ़नी ही पड़ेगी। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी, कहता रहे गुर, हरकतें भी मंत्र के अनुसार ही करनी है स्वामी। हिंद हिंद, बाकेलाल तुमने बुलाया और हम चले आए। ही, अब आ गए हो तो शीघ्रता से यह भी बता दो कि तुम्हारे बात इस टापू खेलने के बाद भी क्या राजा बनने की मेरी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं हुई? बड़े आए खेल खेल में और मेरे रंग में रंगने वाली योग में इच्छा पूर्ण करने वाले गुर। बाकेलाल, इसमें दोष हमारा नहीं बल्कि तुम्हारा है। हमने तुम्हें बहुत आवाज़ें लगाई बाकेलाल, परंतु तुम तो इतनी तेज़ी से गए कि फिर रुके ही नहीं। क्या मतलब? इतनी भी जल्दी नहीं होनी चाहिए इंसान को।
हाँ बाकेलाल, वास्तव में इस टापू खेलने के बाद तुम्हें यह जानते हुए हमें प्रणाम करने भी जाना था कि प्रणाम ताऊ जी, प्रणाम ताई जी ही ही ही। जो कि तुम कह नहीं गए और उसका परिणाम तुमने देख ही लिया। मगर कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे पास एक अंतिम अवसर बचा है खेल खेल में योग अपनी प्रबल इच्छा पूर्ण करने का। और हाँ, उसके लिए अब तुम्हें हमारे साथ खेलना होगा पिट्ठू गर्म। बोलो अपनी पीठ गेंद से छिकवाने का, मेरा मतलब पिट्ठू गर्म खेलने के लिए तैयार हो बाकेलाल? तो फिर चलो फील, पहले पुगम की पुगाई कर ले। ठीक है, ये गिरा मैंने पिट्ठू के पत्थर। बाकेलाल, इस बार गिरगिटी की पिट्ठू गर्म नहीं होने दें, बनाने देंगे, नहीं तो ये जीत जाएगी। इसने तो मेरी गेंद से पीठ सेक दी। बाकेलाल के हाथ में गेंद हो तो क्या मजाल की अपना पिट्ठू गर्म कर ले। वाह बाकेलाल, तुमने कमाल कर दिया। अब बारी थी गिरगिट की। पिट्ठू गर्म करना, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। अजी, कैसे मेरा निशाना अभी नहीं दिखा आपने? छिपना। मगर तब तक बाकेलाल ने कर लिया था अपना पिट्ठू गर्म। मैंने बहुत गर्म किया ऐसे पिट्ठू। बाकेलाल, तुम्हारा पिट्ठू गर्म हुआ, इस खेल में भी तुम विजयी हुए। इस बार तुम्हारी इच्छा का पिट्ठू अवश्य ही गर्म होगा। आखिर आ गई बारी बाकेलाल की। गिटगिटी ये गेंद तो उछल कर बहुत दूर चली गई। ये उड़ाए मैंने एक ही बार में पिट्ठू के सारे पत्थर। अजी, तो क्या हुआ, मैं अपनी पूंछ से इसे थोड़ा पास ले आती हूँ। ही बेटा गिट गिट, इस बार भी अपनी इच्छा पूर्ण न हुई तो इस बार तेरे पिट्ठू गर्म करेगा बाकेलाल, वो भी भारी वाली गदा से। क्योंकि इस बार मैं तुम्हें ताऊजी का प्रणाम, ताईजी का प्रणाम करके जा रहा हूँ। गुर अवश्य होगी बाकेलाल, अवश्य होगी। उस समय दहाड़ू वन की खिलते हैं गुल यहाँ नमक फूलों की घाटी में। मैं इस घाटी का माली हूँ। वह फूलों की घाटी अपने विचित्र फूलों के लिए पहचानी जाती है महाराज। वाह, कितनी सुंदर फूलों की घाटी है। मैं हूँ काटी काटी नामक फूल, मुझसे दूर ही रहना वरना काट लूँगा। मैं हूँ पुच्ची पुष, समझ गए ना? पुष्पवती, यह देखो तुम हंसी नामक फूल, और यह देखो मैं जवान नामक फूल भी। वाह, बाबोली नामक फूल, ये बड़े डोले शोले वाला पुष्प है प्रबंध मंत्री जी। हाँ, यह फूल तो मुझसे चिपक गया है, मुझे खुजली हो रही है। बू बू, चिपक नहीं गया सैनिक जी, यह चंपी फूल है। इससे कोई छू जाए तो यह रगड़ कर उसको चंपू बना देता है। सैनिक जी, इस फूल का नाम है गेंदा। हाँ, यह क्या, इसे कोई देखे बिना आगे निकल जाए तो मुँह पर गेंद के समान आकर पड़ता है। धाड़ जयकारा फूलों की घाटी का। आह, यह क्या, इस फूल ने तो मुझे खींच लिया। यह कोल्हू फूल है, कोई इसे छू जाए तो उसे प्रेम से गन्ने की तरह रगड़ देता है। ठड, और यह फूल तो बिना बात ही पीट रहा है। पड़े ठुड, प्रबंध मंत्री जी, तुम्हें इस फूल से सावधान रहना चाहिए था। यह ठुड नामक फूल है, इसका काम तुम्हें ठुड मारना ही है। रंग रंग के फूल खिले मोने भाए, कोई रंग ना आन मिलो सजना, दीपक संग पतंगा नाचे आहा। तो ये विक्रम सिंह यहाँ पर गाना गाते हुए। पिताजी, मैं इस आदमी की तोंद पर काट लूँ? नहीं बेटा, ये हमारे राजा है, राजा से पंगा नहीं लेते। महाराज, देखिए मैं अपने साथ किन्हें ले आया हूँ। ये ऋषि कान खाए सैया हमार हैं, जो किसी पर प्रसन्न हो जाए तो उसे दूर की बातें सुना सकते हैं। मुझे कई दिनों से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। लगता है ऋषि महाराज के कान में मैल भर गया है। यहाँ रुई का भी फूल है, मैं इनकी बत्ती तिल्ले पर लपेट कर ऋषि महाराज के कानों की मैल साफ कर देता हूँ। मुझे साफ सुनाई देने लगा। ही, राजा मैं तुझसे प्रसन्न हुआ। ये ले त्रिश्मी काम, इसका नाम है सुना भाई। और सुना भाई को अपने कान पर लगा ले, तुझे दूर की आवाज़ सुनाई पड़ने लगेगी। जिस दिशा का सुनना हो उसी तरफ और सुना भाई को घुमा लियो, और किसी विशेष आदमी की बात सुननी हो तो और सुना भाई, वो भी सुना देगा। महाराज, उत्तर दिशा में बाकेलाल गया है, जरा सुनिए तो कि वो क्या कर रहा है। और सुना भाई, उत्तर दिशा में गए बाकेलाल की ही बात सुना। ठीक उसी समय बादशाह अब आएगा मजा। इस बार तो मेरी योजना सफल होकर रहेगी।
और इस बार राजा को मारकर मैं स्वयं विशालगढ़ का राजा बनकर मैं करूंगा अपनी पिट्ठू गर्म। वो मारा पापड़ वाले को, इस बार कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। स्वामी धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। शी हिन हिन। अबे मन ही मन में सोच ले बाकेलाल कि तू ऐसे बोल रहा है, किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। किंतु गिरगिट ने चलने से पहले कहा था कि पिट्ठू गर्म खेलने के बाद कोई संकट भी आएगा तो वो क्या होगा। बुहू। बाकेलाल को क्या पता था कि संकट आ ही गया है। क्या यह बाकेलाल क्या कह रहा है? महादूर्त बाकेलाल, अब तू नहीं बचेगा मेरे हाथों। ऋषि महाराज, लीजिए अपना और सुना भाई, हमें जो सुनना था हमने सुन लिया। मैं भी चलता हूँ एक स्थान पर, अधिक समय तक रुकना मेरी शान के विरुद्ध है। अवश्य ही महाराज ने बाकेलाल को कुछ ऐसा कहते हुए सुन लिया है कि उसकी धूर्तता की पोलपट्टी महाराज के सामने खुल गई है। और सुना भाई ने तो कमाल ही कर दिया। मैं आ रहा हूँ बाकेलाल, हुड़क तेरा की होगा। महाराज को ऐसा दौरा तो पहले कभी नहीं पड़ा। तिगड़ 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 तिगड़। विक्रम सिंह रथ दौड़ाते हुए शीघ्र ही वन में जा पहुँचा। बाकेलाल रुक जा, घोड़ा रोक दे। अरे मोटा, यहाँ ये तो बड़े गुस्से में भी लग रहा है, हाथ में तलवार भी है। बुहू। बाकेलाल तेरी पोल खुल गई, तू मुझे मार कर राजा बनना चाहता है। मैंने ऋषि कान खाए से यह मार के तिलिस्मी कान से सब सुन लिया है। सत्यानाश जाए उस ऋषि का। षड्यंत्रकारी बाकेलाल, सेनापति ने मुझसे कई बार कहा था कि बाकेलाल राजा बनने के षड्यंत्र करता रहता है, किंतु मैंने उसका कभी नहीं माना। मगर अब तेरा कपट मेरे सामने आ गया है, अब तेरा सिर धड़ से अलग करता हूँ। तेरी कोई अंतिम इच्छा है तो शीघ्र बता। नहीं महाराज, तलवार म्यान में डाल लीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मैं अभी आपको कुछ नहीं समझा सकता, किंतु समय आने पर आप स्वयं ही सब कुछ समझ जाएंगे। यदि आपने मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया तो बहुत पछताएंगे। काश मैं तुम्हारी तरह सोच रहा होता तो अभी तुम्हारी पोलपट्टी मेरे सामने खुल जाती, क्योंकि मुझे पता चला कि तू मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा था या नहीं। मधुबन में राशिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, तिही तिरकिट तिरकिट ताता था थे थे। ऋषि महाराज, कृपया थोड़ी देर के लिए अपनी ढोलकी बंद कर दे, मैं बड़ू क्रोध में हूँ, इस दुष्ट बाकेलाल का सिर काटना है। गुर्र। ऋषि के बातों में उलझा बाकेलाल, अन्यथा मोटा कहीं तेरा सिर सच में ही ना कलम कर डाले। दुड़ धम 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 तिरगिट धा। हे बाबा, आप कौन है? वन में ऐसे ढोलकी बजाते क्यों फिर रहे? इस वन में तो शेर चीते और लकड़बग्घे भी हैं। नाश्ता कर लेंगे आपका अपने बुढ़ापे पर, तो थोड़ा रहम कीजिए। तुम कितने दयालु हो बाकेलाल। बाकेलाल मैं हूँ ऋषि ढोलकी के। मुझे किसी का भय नहीं, मैं ढोलकी बजाते हुए गुजरता हूँ तो वन के पशु पक्षी झूम झूम कर नाचने लगते हैं। वो देखो, तितली बनूँ उड़ती फिरूँ मस्त पवन में, आज मैं आज़ाद हूँ संसार के चमन से। ही। ओ हाँ, मेरा मन भी नाचने को कर रहा है। हाँ, मन तो मेरा भी कर रहा है। नाचे मन मोरा मगन तिगदा धिगी धिगी। वाह, ये ऋषि ढोलकी के तो बड़े ही सही अवसर पर पधारे हैं। ऋषि महाराज, मुझे किसी का भय नहीं, मैं जब ढोलक बजाते हुए गुजरता हूँ तो वन के पशु पक्षी झूम झूम कर नाचने गाने लगते हैं। वो देखो, तितली बनूँ उड़ती फिर मस्त पवन में, आज मैं आज़ाद हूँ संसार के चमन से। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ करिया ना करिया रा, झूम झूम के नाचो आज, नाचो आओ गाओ किसी के गीत रे। ओ हाँ, मेरा मन भी नाचने को कर रहा है, मेरा मन भी कर रहा है। नाचे मन मुरा मगन तिगदा धिगी धिगी। वाह, ये ऋषि ढोलकी के तो बड़े सही अवसर पर पधारे हैं। महाराजा विक्रम सिंह, मैंने तुम्हारी शंका जानी, मैं उसी के समाधान है, तू ही ढोलकी बजाते हुए इधर तुम्हारे पास आया। अब मैं पहले ढोलकी बजाना बंद करता हूँ, नहीं थोड़ी और बजाइए। कितनी अच्छी बज रही थी ढोलकी, मैं महल से छेने भी मंगवा लेता हूँ तब और मज़ा आएगा। मंगा के लेता हूँ, मैं खुद ही ले आता हूँ।
अकेला रहने दो, अब तो तुम्हारे हाथों मेरे हाथों तुम्हारी गर्दन का नगाड़ा ही बजने वाला है। गुर्र। महाराज, आपको बाकेलाल की मंशा पर संदेह है? आप कह रहे हैं कि यदि आप बाकेलाल होते तो आपको इसके षड्यंत्र का पता चल जाता। हाँ, यह सच है, किंतु यह झूठ है, यह सत्य है। मेरे पास किसी भी इंसान का चरित्र बदल देने की शक्ति है। मैं जीवन में 2 बार अपनी इस शक्ति का प्रयोग कर सकता हूँ। तुम राजा हो तो मैं इस बाकेलाल को प्राण बचाने हेतु तुम पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता हूँ, ताकि तुम्हारे हाथों किसी निर्दोष की हत्या का पाप न हो जाए। तुम कहो तो मैं तुम दोनों के चरित्र बदल दूँ। कुछ ही दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो फिर लग जाओ गले। आपस में लगते ही गले लगते ही तुम रहोगे तो वही जो हो, किंतु बस तुम्हारे चरित्र आपस में बदल जाएंगे। क्या सच? यह तो बहुत अच्छा होगा। अगर मैं बाकेलाल बन जाऊँ तो मुझे इस दुष्ट की मंशा का पता चल जाएगा। आप ठीक कहते हैं महाराज, मेरी भी बला टलेगी। मेरी मतलब है कि आपकी भी समस्या का अंत होगा। यह भूले बिना कि तुम राजा हो अर्थात बाकेलाल, और तुम बाकेलाल अर्थात बाकेलाल के विचार तो हो जाएंगे महाराज के विचार जैसे, और महाराज के विचार व्यवहार हो जाएगा बाकेलाल के जैसे। साथ ही तुम्हें अभी एक का व्यक्तित्व भी स्मरण रहेगा। ही। बहु, अब मेरी राजा बनने की योजना क्या होगा? किंतु मैं भी क्या करूँ? अभी तो अपने मेरे लिए प्राण बचाना ही सबसे आवश्यक हो गया है। अब मैं जान सकता हूँ कि बाकेलाल के विचार मेरे बारे में क्या है। अब तुम अपने अपने रास्ते चलते बनो, परंतु स्मरण रहे, अब बाकेलाल चरित्र से विक्रम सिंह है और विक्रम सिंह बाकेलाल, और रहस्य तुम दोनों को स्वयं ही रखना होगा। स्वयं तक ही हुड़ अपादा चल दे हैंगे। घोड़ी तेरी गाँव बड़ी प्यारो, खा ले थोड़ा चारो, आ के यहाँ रे तिरकिट था। गुर, अबे कितना धीमे चलते हो बे घोड़ो, थोड़ा तेज नहीं चल सकते हो? रथ में जुतने के लायक ही नहीं। ओह, मेरे अंदर बाकेलाल के गुण आ गए हैं। साए, ओह ये महाराज को क्या हो गया? आज तक मुझे कभी कोड़ा नहीं मारा। हिन्न बादशाह, आराम से चल, कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। तेरे पाँव में कांटा ना चुभ जाए। मेरे पाँव में, मेरे मतलब मेरे खुल में तो नाल लगी है, मुझे तो कांटा नहीं छुप सकता। यह स्वामी को क्या हो गया, कितने प्यार से बोल रहा है। संसार पर एक भयानक संकट मंडरा रहा था। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ कौन? मैं हूँ कौन? मैं हूँ कौन? मैं हूँ ही। बल्कि 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 अवतार और कौन? राजापुरम, मैं कलयुग पर राज करने आया हूँ। संसार के सभी राजाओं को मेरे साथ खेलना होगा पिट्ठू गर। पराजित होने पर राजा को अपनी पूरी सेना सहित करना होगा लुंगी नृत्य, नहीं तो मैं उसकी पुंगी बजा दूंगा। राजापुरम के राजा कबूतर सिंह, तुझे खेलना होगा पिट्ठू गर। मैं तैयार हूँ पिट्ठू गर, में आज तक मुझसे कोई विजयी नहीं हुआ। आगे भी तो सुन, तू विजयी हुआ तो मैं अपनी सेना और तेरी सेना के साथ लुंगी नृत्य करूँगा। मैं विजयी हुआ तो अपनी सेना के साथ मेरे और सेना के साथ लुंगी नृत्य करेगा। पिट्ठू के अवतार तो लगवा, फिर देखता हूँ कि तू कैसे विजयी होता है। लगाओ रे पिट्ठू के पत्थर, और पिट्ठू वाली गेंद भी लगाओ। पत्थर लग गया, आरंभ हो गए खेल। पिट्ठू गर्म की गेंद ऐसी नहीं होती है, हमारी गेंद ऐसी ही होती है। चले चल, पहले तेरी बारी, तू भी क्या याद करेगा। खेला तो पड़ेगा ही, अन्यथा ये छोड़ेगा नहीं। धाड़। यह हुए मेरे पिट्ठू गर्म। गेंद बल्कि अवतार के हाथ में हो तो किसी के पिट्ठू गर्म नहीं हो सकते। हाँ, खाल गरु जरूर हो सकती है। राजा कबूतर, तू पराजित हो गया। अब तुझे और मेरी पूरी सेना के साथ लुंगी नृत्य करना होगा, किंतु अभी तक तो तुमने अपना पिट्ठू गर्म किया ही नहीं। जब तू पराजित हो ही गया तो फिर अब मुझे खेलने की क्या आवश्यकता है? यह अन्याय है, और लुंगी नृत्य मुझे नहीं आता, मेरे बाप ने भी नहीं कभी किया था। उसकी चिंता तू मत कर राजा, नृत्य तो तुझे मेरा नृत्य निर्देश दैत्य भंभोड़ खाक सिखा देगा। चल राजा, मैं तुझे लुंगी नृत्य सिखाता हूँ। नृत्य की प्रथम मुद्रा बना लो। ही। लुंगी नृत्य करने के लिए संगत पहे मेरी दाई और तूबला वादक दैत्य कपटी जी महाराज, और बाई और है मृत्युवादक दैत्य धुकधुकी जी महाराज। बल्कि महान अवतार,
अब मैं नृत्य आरंभ करता हूँ, सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। ही धड़ 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 धम धड़ 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 धड़ाम। आह, बल्कि अवतार और उसकी सेना के पांव की धमक से हमारे सेना घोड़ों सहित गिर पड़ी। भागो महाराज, कबूतर सिंह को सूचित करो, महल गिर गया। महाराज हुड़त्वाड़ा की हो, दैत्य के पांव की धमक से महल ढह गया। भू महाराज, अपनी पराजय स्वीकार कर ले, अन्यथा हमारी मृत्यु निश्चित है। क्या, और ये लुंगी नृत्य भी नहीं है, मैं भी गिर गया। ये कुचली पुड़ी नृत्य है, लुंगी नृत्य इसके बाद आरंभ होगा। नृत्य के लिए तुम्हें ऐसे लुंगी और कुर्ता दिए जाएंगे जिसमें मधुमक्खियाँ घुसी होंगी। ठीक उसी समय विशालगढ़ में, कहो गुप्तचर, क्या सूचना लाए हो? सूचना पक्की है महाराज, कई राज्यों में अपने नाम का आतंक और डंका बजाते हुए अपनी 1,00,000 नचिया दैत्यों की सेना लेकर दैत्य बल की अवतार इसी ओर आ रहा है। वो कई राजाओं को मार चुका है, उसने कई नगर मलबे का ढेर बना दिए है। उसके नृत्य की धमक से हाथी घोड़े गिर जाते हैं। आज तक पिट्ठू गर्म में उससे कोई जीत नहीं पाया। लुंगी नृत्य करवाता है तो लुंगी और कुर्ते में मधुमक्खी छोड़ देता है। बड़ा खतरनाक दैत्य है महाराज। बाकेलाल ताफी रहूड़ अपाका ने की हु, महाराज आप घबराए नहीं, मेरे रहते वो भी यहाँ पर भी नहीं मार सकता। जबकि उसी समय विशालगढ़ में, कहो गुप्तचर, क्या सूचना लाए हो? सूचना पक्की है महाराज, कई राज्यों में अपने नाम का डंका और डंका बजाते हुए नाम का आतंक और डंका बजाते हुए अपनी 1,00,000 नचैया दैत्यों की सेना लेकर नैत्य बल्कि अवतार इसी ओर आ रहा है। बाकेलाल था फिर हुड़ अपादा की होगा, महाराज आप घबराए नहीं, उसके पर नहीं जो पर नहीं है बाकेलाल जी, होंगे भी तो हम कुतर देंगे। सेनापति जी, विशालगढ़ के चप्पे चप्पे पर सैनिकों का पहरा लगवा दो। हाँ, और मैं महल के पिछवाड़े में तैनात रहूँगा, कहीं वो पिछवाड़े से आक्रमण न कर दे। विक्रम सिंह की रातों की नींद उड़ गई थी, इस कमबख्त दैत्य को विशालगढ़ में आने की क्या आवश्यकता थी? अब मेरा क्या होगा, मुझे तो दैत्य के नाम पर ही मूर्छा आने लगती है। अरे हाँ, कुछ दिनों के लिए विशालगढ़ से ही दूर चला जाए। फिर अगले दिन सुबह ही, अरे महाराज जी, ये कपड़ों की गठरी क्यों बना रहे हो? रानी, मैं सोच रहा हूँ कि बहुत दिन हो गए तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले गया, चलो तुम्हें नैनीताल घुमा लाओ। मैंने दातून, कंघा, तेल, तौलिया सब रख लिया है, तुम्हारे वस्त्र भी रख लिए हैं, रसोई मंत्री से कहकर रास्ते के लिए अचार पराठे भी बनवा लिए हैं। बस अब हमें तुरंत ही निकलना होगा। आप भी कमाल करते हैं महाराज, अभी तो बारिशें चल रही है, बाहर निकल कर देखिए, विशालगढ़ में ही नैनीताल बना हुआ है, महल के बाहर ही नहीं नदी बह रही है। मैं तो बाकेलाल के साथ नौका विहार पर जा रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार आपके साथ गई थी तो नौका ही डूब गई थी, एक मेढक भी आपके वस्त्रों में घुस गया था। अब देखिए रे पीलू, ये खिड़की का वही मोटा झांकरा है ना जिसके कपड़ों में तू घुस गया था? अबे हाँ, वही है जब मैं इसकी तोंद में फंस गया था। अच्छा, तो फिर हम तुम्हारे माता पिता के घर चलते हैं, मैं भी कई दिनों से अपने ससुराल नहीं गया, ससुराल के माल पीए खाए बड़े दिन हो गए हैं, देखो मेरे मुंह में पानी भी आ गया। अभी सुबह बाकेलाल जलेबियाँ लाया था, वो रखिए, आप भी खा लीजिए। अच्छा चलो, तुम्हें चुस्की, पहाड़े की चुस्की खिला लाता हूँ, खोड़े पर ही कई दिन लग जाते हैं वहाँ पर जाने में, मैं तो कब से पैदल की सोच रहा था, चुस्की वाला भी रात मेरे सपने में आया था। मेरा गला ख़राब है महाराज, मैं चली। ये रानी तो कहीं से भी चलने को तैयार नहीं, बल्कि अवतार आ गया तो मुझे नचा नचा कर मारेगा। महाराज की जय हो। महाराज, मैं यह विनती करने आया हूँ कि अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, खाना खाते समय चबाने लगता हूँ, कोई बुलाता है तो चलने लगता हूँ, कोई कुछ पूछता है तो बताने लगता हूँ। मैं रहूँगा तो यहीं, मगर मैं चाहता हूँ कि आप सेनापति की जिम्मेदारी कुछ दिनों के लिए किसी अन्य को दे दें, मुझे बस एक ही बात का दुख होगा कि बल्कि अवतार मेरे हाथों नहीं मर पाएगा। ओह सेनापति के बच्चे, बल्कि अवतार से सामना न करना पड़े ऐसे बहाने तू बना रहा है। अगर सेनापति के पद की तरह मैं भी राजा की जिम्मेदारी अन्य किसी को दे दूं, अर्थात किसी को राजा बना दूं, अरे हाँ, वो मारा पापड़ वाले को, इस सेनापति के चक्कर में तो मुझे मिल गया बल्कि अवतार से बचने का उपाय।
मिल गई मंजूरी, निकल ले बेटा सेनापति शीघ्रता से, बन गया तेरा काम। अब बल्कि अवतार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ही। शीघ्र ही बाकेलाल, यह विशेष सभा हमने एक विशेष कार्य के लिए बुलवाई है। बाकेलाल, तुम विशाड़घर के राजा बनना चाहते थे ना, तो सुनो, मैं उसी समय विधिवत रूप से यह घोषणाएं करता हूँ कि आज के बाद विशालगढ़ के राजा होगे। क्या 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 महाराज, आप क्या क्या करें? मैं ठीक कह रहा हूँ महामंत्री जी, इस समय से राजा बाकेलाल होगा। अब मैं करूँगा विश्राम। बच्चू बाकेलाल, अब तू फंस गया विक्रम सिंह के जाल में। किंतु महाराज, ये समय मेरे राजा बनने का नहीं, बल्कि हम सब के द्वारा मिलजुल कर उद्दित दैत्य बल्कि अवतार के अंत के विषय में सोचने का है। इधर मैं राजा तो बन गया, किंतु मुझे राजा बनने की प्रसन्नता क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इस समय मेरा चरित्र महाराज से बदला हुआ है और महाराज किसी को दुखी नहीं देख सकते। आखिर मैंने बल्कि अवतार के हाथों अपने प्राणों की रक्षा का उपाय सोच लिया है। मोटे ने मुझे राजा कैसे बना दिया? ओह, मैं समझ गया, मोटा अपनी जान मोटे ने मुझे राजा कैसे बना दिया वो मैं समझ गया मोटा अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि उसमें ही है मेरा चरित्र। मैं राजा के स्थान पर होता तो अपने प्राण बचाने के लिए नहीं ऐसा करता, के लिए ऐसा ही करता। तो गाइस, अभी तक की स्टोरी यही ही, उसके बाद की स्टोरी मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। इधर मैं राजा बन गया, किंतु मुझे राजा बनने की प्रसन्नता क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इस समय मेरा चरित्र महाराज से ही बदला हुआ है और महाराज किसी को दुखी नहीं देख सकते। आखिर मैंने बल्कि अवतार के हाथों अपने प्राणों की रक्षा का उपाय सोच ही लिया। मोटे ने मुझे राजा कैसे बना दिया? ओह, मैं समझ गया, मोटा अपनी जान बल्कि अवतार से बचाने के लिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि उसमें है मेरा चरित्र। मैं राजा के स्थान पर होता तो अपनी प्राण बचाने के लिए ऐसा ही करता। बाकेलाल सिंहासन पर जीव राजो, राजा के साथ तुम्हारे सेनापति पद की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। सेनापति भी का बीमार है। बाकेलाल का चरित्र मेरे अंदर आते ही अब मुझे पता चल रहा है कि बाकेलाल ऐसे बनाता है योजनाएं राजा बनने की और अपनी जान बचाने की भी। मैं अपनी जान बचाने के लिए राजा बनने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर जो विक्रम सिंह का चरित्र है वो मुझे ऐसा नहीं करने देगा। दुष्ट राजा, दुष्ट सेनापति तो दुष्ट है ही। बोलो महाराज बाकेलाल की जय। अपनी जान बचाने के लिए राजा तो मैंने इसे बना दिया, किंतु अभी भी एक समस्या है। मेरी तोंद कहीं बल्कि अवतार मुझे मेरी तोंद से न पहचान ले, क्योंकि सभी जानते हैं कि विशाल गढ़ के राजा की तोंद जैसी कोई तोंद पूरे संसार में नहीं है, जबकि बाकेलाल का पेट तो बिल्कुल पिचका हुआ है। थोड़ी देर बाद, बाकेलाल बधाइयाँ बहुत हो गई, अब सुनो, मेरे जैसा दिखाई पड़ने के लिए तुम्हें अपनी तोंद भी बढ़ानी होगी। भूतपूर्व महाराज विक्रम सिंह जी, आपके कहने पर मैं यह जड़ी बूटी ले आया हूँ। यह है वायु पुराण जड़ीबूटी। महाराज बाकेलाल जी, एक बार इसे खा लें फिर देखें इसका कमाल। राजपद पद की बधाई हो महाराज, बाकेलाल जी की बधाई हो बाकेलाल जी। थोड़ी देर बाद, बाकेलाल बधाइयाँ बहुत हो गई, अब सुनो, मेरे जैसा दिखाई देने पड़ने के लिए तुम्हें अपनी तोंद भी बढ़ानी होगी। यदि ऐसी बात है तो मैं अपना ठीक है खाना खाता हूँ चबड़ चबड़। बाकेलाल, मेरा मतलब महाराज, आप तोंद को कैसे दिखेंगे? हा। ओ, समय सही समय पर, वाह, इसकी तोंद से मुझसे भी बड़ी हो गई है। अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा? जान लगाने के लिए दार 10,000। वाह, इसकी तोंद तो मुझसे भी बड़ी हो गई। अब मेरे प्राणों की संकट कुछ दिन तक
कम होता है, जान पड़ रहा है। सही, तभी गुप्तचर ने आकर सूचना दी। राजा बनना चाहते थे विशालगढ़ के, तो सुनो मैं इसी समय विधिवत रूप से घोषणा करता हूँ कि आज के बाद विशालगढ़ के राजा तुम हो गए। क्या महाराज जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ महामंत्री जी, इस समय ही से ही राजा बाकेलाल होगा। अब मैं करूँगा विश्राम। बच्चू बाकेलाल, अब तू फंस गया विक्रम सिंह के जाल में, किंतु महाराज यह समय मेरे राजा बनने का नहीं, बल्कि हम सबके द्वारा मिलजुल कर दैत्य बल्कि अवतार को नष्ट अंत करने के विषय में सोचने का है। इधर मैं राजा बन गया, किंतु मुझे राजा बनने की प्रसन्नता क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इस समय मेरा चरित्र महाराज से बदला हुआ है और महाराज किसी को दुखी नहीं देख सकते। आखिर मैंने बल्कि अवतार के हाथों अपने प्राणों की रक्षा का उपाय सोच ही लिया, मोटे ने मुझे राजा कैसे बना दिया? ओह, मैं समझ गया, मोटा अपनी जान की कल बल्कि अवतार से बचाने के लिए ऐसा कह रहा है क्योंकि उसमें है मेरा चरित्र। मैं राजा के स्थान पर होता तो अपने प्राण बचाने के लिए ऐसा ही करता। बाकेलाल सिंहासन पर भी राजो, राजा के साथ तुम्हारी सेनापति के पद की जिम्मेदारी भी निभानी होगी क्योंकि सेनापति बीमार है। बाकेलाल का चरित्र मेरे अंदर आते ही अब मुझे पता चल रहा है कि बाकेलाल ऐसी योजनाएँ बनाता है, योजनाएँ राजा बनने की और अपनी जान बचाने की भी। मैं अपनी जान बचाने के लिए राजा बनने से मना नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर विक्रम सिंह का चरित्र है, वो मुझे ऐसा नहीं करने देगा। दुष्ट राजा, सेनापति दुष्ट है ही। बोलो महाराज बाकेलाल की जय। अपनी जान बचाने के लिए राजा तो मैंने इसे बना दिया, किंतु अभी मुझे एक समस्या है, मेरी तोंद। कहीं बल्कि अवतार मुझे तोंद से ना पहचान ले, क्योंकि सब जानते हैं कि राजा विशालगढ़ के राजा की तोंद जैसी कोई तोंद पूरे संसार में कहीं नहीं है, जबकि बाकेलाल का पेट तो बिल्कुल पिचका हुआ है। राजपद की बधाई हो महाराज बाकेलाल जी। थोड़ी देर बाद, बाकेलाल बधाइयाँ बहुत हो गई, अब सुनो, मेरे जैसा दिखाई पड़ने के लिए तुम्हें अपनी तोंद भी बढ़ानी होगी। भूतपूर्व महाराज विक्रम सिंह जी, आपके कहने पर मैं जल्दी जड़ी ले आया, यह है वायु पुराण जड़ी बूटी। महाराज बाकेलाल जी एक बार इसे खा ले, फिर देखे इसका चमत्कार, इसका कमाल। राजपद की बधाई हो महाराज बाकेलाल जी। यदि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं खाता हूँ चबड़ चबड़ चबड़। बाकेलाल मेरा और मेरा मतलब महाराज आप तोंद में कैसे दिखेंगे? ही। और जड़ी बूटी खाते ही, और यह क्या, मेरा पेट फूलने लगा। देखा जड़ी बूटी का कमाल, वाह इसकी तोंद तो मुझसे भी बड़ी हो गई। अब मेरे प्राणों का संकट कुछ कम होता जान पड़ रहा है। तभी गुप्तचर ने आके सूचना दी, महाराज गजब हो गया, बल्कि अवतार अपनी सेना सहित विशालगढ़ की सीमा पर देखा गया है। ओह, सही समय पर मैंने बाकेलाल को राजा बना दिया। इसके बाद राजा बाकेलाल ने लगाया आपातकाल दरबार। मंत्री जी, महामंत्री जी, शत्रु की 100,000 की सेना से हम किस प्रकार से मुकाबला करेंगे? यह सभा इस उद्देश्य से बुलाई गई है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इस विषय पर अपने अपने विचार रखें, फिर हम अपनी अपनी योजना बनाएंगे। महाराज की जय हो। क्यों ना प्रत्येक सैनिक के स्थान पर एक 4-4 तलवारें दे दी जाए, क्योंकि विशालगढ़ के पास है 25,000 सैनिक, और एक एक तलवार से एक एक शत्रु को मारेंगे तो शत्रुओं के कुल 25,000 सैनिक ही मरेंगे। तलवारें 4-4 होंगी तो एक एक तलवार के हिसाब से हो गए पूरे 100,000 शत्रुओं के सैनिक। किंतु सैनिकों के हाथ के पास तो हाथ दो ही न होंगे नारा मंत्री। अब होगा यह कि बल्कि अवतार को पता नहीं पता कि हमारे पास कितना सैनिक बल है, तब हम 100,000 तलवारें अवश्य बनवाएंगे और उन्हें सैनिकों की वेशभूषा में पहने अपने प्रजा को देंगे, ताकि बल्कि अवतार हमारी संख्या देखकर घबरा जाए और इधर आने की हिम्मत ही न कर सके। महाराज मेरे विचार से हमें भारी हवन करवाना चाहिए। हवन के तीखे धुएं से शत्रुओं के आँखों से नीर बहने लगे, तब उस पर आक्रमण करके उनके सर धड़ से जुदा कर दिए जाए। किंतु राजपुरोहित जी, धुआं तो हवा की दिशा में बहेगी और वो बहेगी एक ही दिशा में। यदि शत्रु दूसरी दिशाओं से आ गए तो अब हम यह करेंगे कि वायु की दिशा में न तो धुआं जाएगा, शेष तीनों दिशाओं में हम अपनी सेना की तैनाती करेंगे, क्योंकि शत्रु धुएँ वाली दिशा से नहीं आएगा और चारों ओर खड़ी हमारी विशाल सेना देखकर भी घबरा जाएगा।
ये बाकेलाल तो पूरा चक्रव्यूह ही रचित दे रहा है। ऐसे बल्कि अवतार आकर इसे मार ही नहीं पाएगा और मेरे राजा बनते ही वापस संकट मुझ पर मन रहने लगेगा। बल्कि मुझे कुछ करना होगा, बल्कि अवतार सीधे महल में प्रवेश कर जाए। राजा अवतार, राजा बाकेलाल का अंत कर दे गुर्र। फिर शीघ्र ही शस्त्रागार की पहाड़ी पर, शस्त्रागार मंत्री, शीघ्र ही 1,00,000 तलवारों का निर्माण हो जाना चाहिए। शाबाश, आप चिंतित ना हो महाराज, संध्या तक सभी तलवारें बनकर तैयार हो जाएंगी। शीघ्र ही शस्त्रागार मंत्री ने आकर बाकेलाल को सूचित किया, महाराज 1,00,000 तलवारें तैयार हो गई हैं, उनके गट्ठर भी बंधवा दिए गए हैं। सभी कारीगर थक गए इसलिए खाना खाकर सोने जा रहे हैं। आपको सूचित करने के बाद मैं भी अभी विश्राम हेतु जा रहा हूँ। ओह, अब इन्हें प्रजा में बांटना भी होगा, किंतु पहले तलवारों की सुरक्षा के लिए सैनिकों को भेजना होगा। महाराज, सैनिकों की आवश्यकता नहीं, तलवारों की सुरक्षा हेतु मैं स्वयं शस्त्रागार में जाता हूँ। विक्रम सिंह आ पहुँचा शस्त्रागार में। ही तलवारों की सुरक्षा करें मेरी जूती, मैं तो इन सभी तलवारों को घाटी में फेंकने आया हूँ। एक एक करके इन सभी गठरों को नीचे का रास्ता दिखाता हूँ। यह क्या महाराज, बाकेलाल वाले कार्य क्यों कर रहे हैं? महाराज ने बाकेलाल को भी राजा बना दिया है। तलवारें न रहने से बल्कि अवतार और भी शक्तिशाली रह जाएगा। ही यह गया तलवारों का अंतिम गठर भी घाटी के नीचे। ऋषि कान खाए सैया हमार के तिलिस्मी कानों से बाकेलाल की आवाज़ सुनने के बाद क्रोध में वन को गए महाराज जब से लौटे हैं तब से उनका रूप बदला हुआ प्रतीत हो रहा है। मुझे अवश्य ही इस बात में कोई भेद है। अब मैं देखता हूँ बाकेलाल कैसे, बल्कि अवतार के हाथों से कैसे बचता है। उसे राजा बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य अपूर्ण होने को है। यह महाराज कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। महाराज, बाकेलाल को बल्कि अवतार के हाथों मरवाने की योजना बना रहे हैं। महाराज, में तो बाकेलाल के यही गुण, मेरा मतलब अवगुण आ गए। विशालगढ़ की सेना असली सेना न होकर वहाँ के भोले भाले नागरिक हैं। अब इस पत्र द्वारा यह सूचना बल्कि अवतार तक यह कबूतर पहुँचा देगा। दैत्य के ऊपर ही फेंकाऊंगा यह संदेश। गुटर गु कबूतर जा जा कबूतर जा। ही और फिर अगले दिन विशालगढ़ में मच गई खलबली। महाराज, बल्कि अवतार अपनी सेना के साथ विशालगढ़ में आ पहुंचा है। ओह महामंत्री जी, तीनों दिशाओं में तैनात हमारी सेना को सावधान करो और अति शीघ्र तीसरी दिशा में बनाए गए हवन कुंड का अग्नि का धुआं उड़ा। बाकेलाल, हम विजयी तो होंगे ना? अवश्य होंगे महाराज। महाराज तुम नहीं हो, तुम हो बाकेलाल, मैं नहीं। ही। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, महाराज किसी दुष्ट ने सभी तलवारें घाटी में फेंक दी हैं और अवतार हमारी निरख बल्कि अवतार हमारी निहत्थी सेना को देखकर भयभीत नहीं हुआ और जब वो सेना के रूप में खड़े हमारे भोले भाले नागरिकों की तरफ बढ़ा तो वे घबरा कर भाग खड़े हुए। यह तो होना ही था। लगता है कबूतर सही समय पर बल्कि अवतार तक जा पहुंचा और बल्कि अवतार सैनिकों का सच जान गया है। महाराज शीघ्र आइए, यह काम अवश्य ही मोटे मुच्छड़ का है। बाकेलाल, हम तो विजय होंगे ना? उसी समय महल के बाहर बेटे द्वारपाल, यह तिलिस्मी घुंघरू है, इन्हें पहनने वाला तब तक नाचता रहेगा जब तक किसी ऊँची पहाड़ी से जाकर छलांग नहीं लगा देता। यदि तुमने महल का फाटक खोलने माना कहने की तो यही घुंघरू तुम दोनों को पहना दूंगा। नहीं नहीं, हम दरवाज खोलते हैं। द्वार खुलते ही बल्कि अवतार अपनी सेना के साथ महल में प्रवेश कर गया। भंभोर खा, भला हो उस अज्ञात मानव का जिसने कबूतर द्वारा मुझे नकली सेना के बारे में पहले ही से बता दिया था, अन्यथा हम आसानी से विशालगढ़ में प्रवेश न कर पाते। और यह भी सुना है विशालगढ़ के राजा के आसपास के राजाओं में बहुत धाक्य है, इनके पराजित होने से होते ही आसपास के कई राजे बिना पिट्ठू गर्म खेले ही हमारे गुलाम बन जाएंगे। आज से मोटा मरे ही मरे, मैंने सही समय पर इसे राजा बना दिया, किंतु मैं बाकेलाल को मोटा क्यों कह रहा हूँ? ओह समझा, इसका मतलब बाकेलाल जब भी मेरे विरुद्ध कोई योजना बनाता है तो वो मुझे मोटा कहकर बुलाता है। गुर्र, वही रुक जा बल्कि अवतार, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। दम है तो पहले पिट्ठू गर्म तो खेल लो। पिट्ठू गर्म से ही यह मुसीबत आरंभ हुई थी। मोटे ने मुझे मरवाने का पूरा प्रबंध कर लिया है।
बुरा हो उस ऋषि ढोलकी का जिसने मेरा चरित्र महाराज के चरित्र से बदल दिया। अन्यथा इस समय मोटा मेरी योजना के अनुसार बल्कि अवतार कर उसके साथ पिट्ठू गर्म खेल रहा होता, किंतु महाराज से मेरी चरित्र बदले होने के कारण मैं अवतार से युद्ध में पीछे नहीं हट सकता। चल राज पहल तेरी, कमबख्त गेंद भी कैसी लाया, कांटे उगे हुए, एक भी चिप गई तो बहू हो। बाकी शीघ्रता से पिट्ठू के सभी पत्थर लगाने के बाद अंतिम बचे पत्थर को उठाने के लिए भंबोड़ खा के पास पहुंचा। तुम्हारे पांव के नीचे पिट्ठू का पत्थर है, अपना पांव हटाओ। अभी हटाता हूँ, ले ये पत्थर, धड़ाक, और ये गई आई गेंद, ताड़, आह। तू हार गया राजा, तुझे अपनी सेना के साथ मैं और मेरी सेना के साथ युद्ध करना होगा, वरना पहले कुचली पुड़ी उसके बाद लुंगी नृत्य भंबोड़ खा। चल शुरू हो जा, दे ताल, यह रोमांची है, तुम्हारे देते ने मेरा पिट्ठू पत्थर दबा लिया था। अब तो वाद्य बचाने का लगे, तुरंत नृत्य आरंभ कर राजा, अन्यथा तू पराजित मारा जाएगा। ही गर, जब तक है जा जाने जहाँ, मैं नाचूंगी। ही नाच मेरी बुलबुल की स्वर्ण मुद्रा मिलेगी, नहीं नाचेगी तो गर्दन धड़ से कटेगी। ही महाराज, हम इस दुष्ट के कहने पर आकर नृत्य क्यों कर रहे हैं? सीधे सीधे इस पर आक्रमण क्यों नहीं करते? नहीं, नाच मेरी बुलबुले की स्वर्ण मुद्रा मिलेगी, नहीं नाचेगी तो गर्दन धड़ से कटेगी। महाराज, इस दुष्ट के कहने पर हम नृत्य क्यों कर रहे हैं? सीधे सीधे इस पर आक्रमण क्यों नहीं करते? नहीं सैनिक, यदि नृत्य में इन्हें पराजित कर सके तो शस्त्रों के युद्ध से बच जाएंगे, अन्यथा इनके 100,000 है और हमारे 25,000, अपना और विशालगढ़ का अंजाम सोच लो। बहु, इनके धर्मों को कदमों की तीव्र धमक से हम नीचे गिर रहे हैं। आ, इनके वाद्य मंत्रों की धमक भी राक्षसी है, काश हमारे पास भी तीव्र ध्वनि बजाने वाले वाद्य यंत्र होते, तभी वहाँ आ पहुँचे ऋषि ढुलकी को। था तिरकिट था दुम तुम था थे था, ऋषि ढोलकी के इसी ढोलकी की थाप तो बल्कि के वाद्य यंत्रों की आवाज़ से भी बहुत तीव्र है। मेरी ढोल की ढोलक ऐसे राक्षसों के लिए प्रलयकारी ध्वनि भी निकाल सकती है। था तिरकिट तिरकिट था तरफ जबस्त वस्तली था धड़ 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 धड़। ओ, यह क्या, हमारे सभी सैनिक ऋषि के ढोलक के थाप पर गिर पड़े? मेरे पांडे की पाँव की भी पुंगी बुझ गई, इसकी ढोलकी की थाप ने तो हमें अपने सुर भुलवा दिए। ऋषि को यहाँ बुलवा कर तूने अपनी मृत्यु बुला ली राजी, अब मृत्यु के एक ही मुक्के में तेरा पेट फाड़ता हूँ। धाएँ बुम सै, हम विजयी हो गए। ही मैं हूँ बवंडर, उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह विच खंडू पावा। मैं हूँ बवंडर, ऊर्जा काले कावा, तेरे मुँह विच खंड पावा। फिर से गृह महाराज, विक्रम सिंह ऐसा है कि आपको तपस्या का निदान हो गया होगा, समस्या का निदान हो गया होगा। हाँ बापा, इस दुष्ट बाके का चरित्र
मुझे मिल गया तो मैं उसके प्रभाव में मैंने न जाने क्या क्या योजनाएं बनाई। ओह, तो यह बात थी महाराज, तभी आपने सड़क सभी तलवारें घाटी में फेंक दी थी। देखा महाराज, मैं तो पहले ही कहता था कि पाकलाल भरोसे के लायक नहीं है। राजा विक्रम सिंह तलवारें घाटी में फेंकने के लिए, अपनी जात बचाने के लिए, बाके को राजा बनाने की बात, रानी के साथ नैनीताल जाने की बात सब कुछ बताता चला गया। सबसे पहले तो तुम दोनों फिर से गले मिलो ताकि तुम्हारे चरित्र तुम्हें वापस मिल जाए। राजा विक्रम महाराज, किंतु तू अंततः तो शत्रु पर हमारी विजय ही हुई। यही तो मैं कहता हूँ, जो मैं ही योजना बनाता हूँ उसमें आपकी एवं राज्य की परिवार की भलाई ही होती है, किंतु सेनापति जैसे कुछ राक्षस, किंतु अंततः तो शत्रु पर हमारे विजय ही प्राप्त हुई। उसको कोई कह देगा क्या H2SO4 किसको कहते हैं तो मान जाएंगे हम ना महाराज, किंतु अंततः तो शत्रु पर हमारी विजय ही हुई ना। यही तो मैं चाहता हूँ कि जो कांवर पड़ता है उसमें आपकी एवं राज्य की भलाई है, और मैं जो भी योजना बनाता हूँ उसमें आपकी और राज्य की भलाई ही होती है, किंतु सेनापति जैसे कुछ दुष्टों के बहकावे में आकर आपने मेरी बात की योजना बनाई कि कुछ साल तक तो मेरी वह योजना विशालगढ़ के चरित्र पर एक अच्छा एथी रहेगी। हाँ, उसमें आपकी और अपने राज्य की भलाई है, किंतु सेनापति जैसे कुछ दुष्टों के बहकावे में महाराज, किंतु अंततः तो शत्रु पर हमारी विजय ही हुई ना। अयोध्या राज वहाँ इतना बड़ा प्लॉट है कि उसमें छोटे वाले चाचा भी साथ रहते हैं। यही तो मैं करता हूँ, जो वीर शक्ति महाराज, किंतु अंततः तो शत्रु पर हमारी विजय ही हुई। यही तो मैं कहता हूँ, जो भी मैं योजनाएं बनाता हूँ किंतु मैं भी जानता हूँ कि उससे आपका भला ही होना है। इसमें सेनापति का कोई दोष नहीं है बाकीलाल, हमने तिलिस्मी कानों से स्वयं
कमखन मोटे मुच्छर ने मुझे मरवा कर अपना पिट्ठू गर्म कर ही लिया था, किंतु अब मुझे कबूतरों से मिलने के ही बहाने कहाँ कर ले हम। महाराज हमें इस दुष्ट के कहने पर आकर नृत्य क्यों कर रहे हैं? सीधे सीधे इस पर आक्रमण क्यों नहीं करते? नहीं सैनिक, यदि नृत्य में इन्हें पराजित कर सके तो शास्त्रों के युद्ध से बच जाएंगे, अन्यथा इनकी और लाख हैं और हम 25,000। अपना और विशालगढ़ का अंजाम सोच लो। बहु हो इनके कदमों की तीव्र धमक से हम नीचे गिर रहे हैं। आ, इनके वाद्य यंत्रों की धमक भी राक्षसी है। काश हमारे पास भी तीव्र ध्वनि वाले वाद्य यंत्र होते। तभी वहाँ आ पहुँचे ऋषि ढोलकी के। धा तिरगिट धा, दुम दुम तधई तधई धा। ऋषि ढोलकी के, इसकी ढोलक की थाप तो बल्कि के वाद्य यंत्रों की आवाज़ों से भी बहुत तीव्र है। मेरी ढोलक ऐसे राक्षसों के लिए प्रलंकारी ध्वनि भी निकाल सकती है। धा धा तिरगिट तिरगिट धा, जबरदस्त वाली धा धा धई धई। ओहिया, क्या हमारे सभी सैनिक ऋषि की ढोलक की थाप पर गिर गए? मेरे पाँव की भी पुंगी बज गई। आह, इसकी ढोलक की थाप ने तो हमें हमारे सुर भुलवा दिए। बहु हो ऋषि को तूने यहाँ बुलाकर तूने अपनी मृत्यु बुला ली राजा। अब एक ही मुक्के में तेरा पेट फोड़ता हूँ। धाड़, ओह जोश में मैं यह भी भूल गया कि मेरी और मेरी पूरी सेना की मृत्यु पेट की वायु से ही होनी थी। उड़ की होगा, अब आएगा भयंकर बंगर जिसमें हम सब उड़ जाएंगे। आह बर बुम, हम विजयी हो गए। ही मैं हूँ बवंडर, उड़ जा काले कावा तेरे मुँह विच खांड पावा। फिर से गृह महाराजा विक्रम सिंह, आशा है कि आपकी समस्या का निदान हो गया होगा। हाँ बाबा, इस दुष्ट बाकी का चरित्र मुझे मिल गया तो उसके प्रभाव में मैंने न जाने क्या क्या योजनाएं बनाई। ओह तो ये बात थी महाराज, तभी आपने सभी तलवारें घाटी में फेंक दी। देखा महाराज, मैं तो पहले ही कहता था कि बांकेलाल भरोसे के लायक नहीं है। विक्रम सिंह तलवारें घाटी में फेंकने की बात, अपनी जान बचाने के लिए बाकी को राजा बनाने की बात, रानी के साथ नैनीताल जाने की बात, सब कुछ बताता चला गया। सबसे पहले तो तुम दोनों फिर से मिलो ताकि तुम्हारे चरित्र तुम्हें वापस मिल जाए। फिर कमबख्त मोटे मुच्छड़ ने मुझे मरवा कर अपना पिट्ठू गर्म कर लिया, किंतु अब मुझे कुछ ऐसा कहना होगा जिससे कि मोटे को मुझ पर संदेह न होने पावे। महाराज, किंतु तू अंततः तो शत्रु पर हमारी विजय ही हुई ना, यही तो मैं करता हूँ। मैं जो भी योजना बनाता हूँ उसमें आपकी और राज्य की भलाई ही होती है, किंतु सेनापति जैसे ही कुछ दुष्टों के बहकावे में आकर आपको मेरी वह योजना विशालगढ़ के विरुद्ध लगती है, किंतु मैं भी जानता हूँ कि उससे आपका भलाई होना है। बहु
इसमें सेनापति का कोई दोष नहीं है बाकेलाल, हमारे तिलिस्म कानों से स्वयं सुना था कि तुम कह रहे थे कि राजा को मारकर स्वयं विशालगढ़ का राजा बनोगे। हाँ यह सच है कि मैं राजा को मारकर स्वयं राजा के बनने की बात कर रहा था, क्योंकि बल्कि अवतार आकर सीधे राजा को ही ललकारता है। मैं आपके प्राणों की रक्षा हेतु और स्वयं अपनी कुर्बानी देने के लिए राजा बनना चाहता था। मुझे भगवान शंकर की भविष्यवाणी भी हो चुकी थी कि बल्कि अवतार की मृत्यु मेरे पेट की वायु से होगी। मैं तो यही सोचकर परेशान था कि मेरे पेट में इतनी वायु कहाँ से आएगी। कितनों आपने तो समस्या ही आसान कर दी। ओह तो ऐसी बात है, तो फिर बाकीलाल आ गले लग जा। ओह तेरा सत्यानाश जाए ढोलकी को, मेरी योजना का कबाड़ा कर दिया, अन्यथा इस बार को बल्कि अवतार के हाथों मोटा मरता ही मरता। लक्कड़हारे का रूप धर स्वर्ग से पृथ्वी पर आए इंद्र देवता, क्योंकि संकट गंभीर था। बाकीलाल हम तुम्हारी ऊँच पर ही मैंने तुम्हारे साथ ऊंच नीच का पापड़ा खेल लिया। लाओ अब मुझे वो स्वर्ण मुद्रा मुझे दे दो, अन्यथा भयानक संकट आ जाएगा। मैं हूँ राक्षस लोक का सबसे खूंखार राक्षस जान बेरहम इंद्र देवता, अब स्वर्ग के सिंहासन पर होगा मेरा राज, क्योंकि तुमने मेरी पत्नी विपाशा के साथ नहीं खेला। ऊंच नीच का पापड़ा, स्वर्ग पर आए संकट को केवल इंद्र देवता की तरह वह स्वर्ण मुद्रा ही दूर कर सकती थी जो बाकीलाल के पास थी। तो अब क्या होगा, पढ़ना न भूले हास्य सम्राट बाकीलाल का नया हास्य हंगामा। एक तरफ है ध्रुव और दूसरी तरफ है उसका, दूसरी तरफ है पूरी दुनिया, दांव पर लगा है इस दुनिया का भाग। तुम यह क्या कर रहे हो धनंजय, नताशा मर जाएगी, मुझे छोड़ो नताशा। तुम आकाश तो क्या पाताल में भी जाकर सगाई करने की कोशिश करोगे तो धनंजय वहां भी जाकर रोकेगा तुम्हें, अधूरा ही रहेगा तुम्हारा प्रेम ग्रंथ। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता द्वारा शीघ्र प्रकाशित। तो ये जो कॉमिक्स है वो आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर। यहाँ पे ये कॉमिक्स ख़त्म होता है, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।